हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका निरुपमा जी की दुनिया में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे से मिठाई। हाँ, हम बनाने जा रहे हैं मैदे से मिठाई। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। तो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैदा लेंगे और उसे धीमी आंच पे हम भूनेंगे। आंच को फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, उसको धीमी ही आंच पे भूनना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और उसको धीमी आंच पे ही भूनते रहेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है इसका कलर। अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने मिश्रण को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें इसको भूनने में 10 मिनट लगा है धीमी आंच में। जब हमारा मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब कि हम उसे अपने हाथों से टच कर सकें, तब हम उसमें चीनी का बुरादा मिलाएंगे। हमने घर में चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था और उसका बुरादा बना लिया था। अब हम चीनी को उसमें मिलाएंगे अच्छे तरीके से और मिक्स करके देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग बनती है कि नहीं। अगर नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर सकते हैं, और बनती है तो आप फिर अपने हाथ से इसकी एक अच्छा शेप दे दीजिए। आपका जो इच्छा चाहे वैसी शेप दीजिए इसको, जो है चाहे पेड़ या लड्डू का आप उसे शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने अपने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और हमने इसके ऊपर बादाम से गार्निश किया है। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप इसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही यम्मी होती है, एक बार आप से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हमारे घर के इजी सामानों से हमें ये बना सकते हैं इसको हम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।